नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स की बल्ले बल्ले पेंशन वितरण संस्थाओं की नाक में कसी नकेल पीसीडीए ने, अब पेंशन भोगियों की पेंशन वितरण संस्था बदलनी होगी अगर वो चाहेंगे तो। आइए पूरी खबर देखते हैं संक्षिप्त में इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो सभी पेंशन भोगियों के संदर्भ में है। जैसा कि आप यहां सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ पेंशन अकाउंट फ्रॉम वन पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी टू अनदर पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी, यानी कि पेंशन जो खाता है आपका, उस पेंशन खाते को आप अपनी एक पेंशन वितरण जो आपकी संस्था है, उस पेंशन वितरण संस्था से आप दूसरी पेंशन वितरण संस्था में ले जा सकते हैं। इस संदर्भ में पीसीडीए इलाहाबाद ने 2 नवंबर 2018 को सर्कुलर नंबर 602 जारी किया। दोस्तों, हम आगे देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ डिटेल से। दोस्तों, डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन यानी DPPI और पेमेंट ऑफ डिफेंस पेंशन बाय पब्लिक सेक्टर स्कीम के तहत ये सुविधा प्रोवाइड की गई है कि अगर कोई पेंशन भोगी अपने पेंशन अकाउंट को एक पेंशन वितरण एजेंसी से दूसरे में ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन ये संज्ञान में आया है कि पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए कंपेटेंट अथॉरिटी ने ये सर्कुलर जारी करके कुछ दिशा निर्देश और प्रोसीजर बताया कि कैसे आपका पेंशन अकाउंट एक जगह से दूसरी जगह बदली होगा। उसके लिए आपको एक सिंपल सा एप्लीकेशन देना है, जिसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एप्लीकेशन का फॉर्मेट, जहाँ से आप पेंशन लेते हैं उसी पेंशन वितरण संस्था को आपने इसकी 5 कॉपी देनी है और यहाँ एड्रेस उसी पेंशन वितरण संस्था का देना है जहाँ से आप पेंशन ले रहे हैं, और जहाँ से आप पेंशन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर उसको मेंशन करें। नए पेंशन वितरण एजेंसी का आप यहाँ पर नाम लिखें, यहाँ उसका एड्रेस दें कंप्लीट, और यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट नंबर भरें, और यहाँ अपने पूरे पार्टिकुलर्स भरने के बाद स्पेसिमेन सिग्नेचर करके सबमिट कर दें। दोस्तों, एप्लीकेशन के साथ साथ आपने संबंधित डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, जैसे आपका पीपीओ हो गया, कोरिजेंडम पीपीओ हो गया, आपका डिस्क्रिप्टिव रोल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, ये सब एप्लीकेशन के साथ में लगाने हैं। इसके बाद आपका पेंशन अकाउंट नई पेंशन वितरण एजेंसी यानी संस्था में चला जाएगा और आपका पेंशन अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों, इंडियन एम्बेसी नेपाल से अगर किसी दूसरे पेंशन वितरण संस्था में आपने अपना पेंशन अकाउंट चेंज करना है, उसकी पेंशन वितरण संस्था पीसीडीए इलाहाबाद का जो कार्यालय है उसके थ्रू होगा और इस संदर्भ में नया कोरिजेंडम पीपीओ जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में, किस तरह से पेंशन भोगी अपने पेंशन अकाउंट को एक पेंशन वितरण संस्था से दूसरी पेंशन वितरण संस्था में कैसे ट्रांसफर कराएं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।